नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के डॉक्टरों को भी मांग पर उत्तम गुणवत्ता वाली पीपीई किट्स, N95 मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर सरकारी दरों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये निर्णय आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी जिलों के IMA पदाधिकारियों के साथ सिविल सर्जन के साथ हुई बैठक में लिया गया। बैठक में ये भी निर्णय लिए गए कि भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु तथा मध्य स्तर पर उद्यमों के लिए दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज में हरियाणा के निजी स्वास्थ्य क्लिनिक, नर्सिंग होम तथा डेंटल क्लिनिक को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई निजी डॉक्टर कोरोना ग्रस्त हो जाता है तो उसका इलाज भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा। कोरोना के उपरांत राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, जन स्वास्थ्य सेवाओं तथा रोग अनुसंधान इत्यादि में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही ये जल्द से जल्द इस पर काबू भी पा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप इस महामारी से निपटने के लिए काफी कारगर साबित होगा। सभी तक प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने डॉक्टरों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी मरीज की हिस्ट्री पूछते वक्त उससे यह भी पूछा जाना चाहिए कि उसने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया है या नहीं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विश्वास व्यक्त किया है कि निजी क्षेत्र में सभी डॉक्टरों के सहयोग से हरियाणा शीघ्र ही कोरोना मुक्त प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं ने प्रदेश में 2.5 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। अब देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।